देखिए आज का जो हमारा जो इवेंट है, फंक्शन जो आज ऑर्गेनाइज किया गया है, बड़ा ऐतिहासिक फंक्शन है, क्योंकि जो पोस्ट 370 सिचुएशन हुई हमारी यूपी में, जो नए रूल्स आए, और ख़ासकर एक मुद्दा था कि जो यहाँ पर कई दशकों से लोग रह रहे हैं, जिनके घर हैं यहाँ पे, वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों को यहाँ पे अधिकार जो हैं, हकूक जो हैं, वो नहीं मिले। और हकूक पाने के लिए जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कि वो यहाँ का वसनीक है, बाशिंदा है, रेजिडेंट है, वो रेजिडेंसी प्रूफ जो है, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम बोल रहे हैं, वो आज तकसीम किए जा रहे हैं, और वो इस डिस्पेंसेशन में जो फैसला हुआ कि जो हमारे गोरखा समाज के लोग, वो तो 47 से भी पहले हैं, यहाँ रह रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जिनको हम बोलते हैं, उन लोगों को भी हकूक नहीं थे, चाहे वो नौकरी का हो, सिलसिला हो, घर लेना हो, एडमिशन में हो, हायर एजुकेशन में, यहाँ तक के भी उनको हकूक मौजूद नहीं थे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या बाकी स्टेट की स्कीम जो यूपी की स्कीम जो, उनमें तो बिल्कुल भी कोई उनकी शमूलियत नहीं थी। तो इस जो इसी तरह से हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, तो बाकी कम्युनिटीज़ के भी लोग हैं, जो बहुत देर से यहाँ पे रह रहे हैं, जब और जो इस तरह के लोग हैं जो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, इस सोसाइटी का इंटीग्रल हिस्सा हैं, तो उसी सिमत में जो ये कानून बना और सहूलत दी गई कि उन लोगों को जिनका स्टे 15 साल से ऊपर है, उनको डोमिसाइल करार दिया जाएगा। तो इसीलिए आज का ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। एक हमने क्योंकि नज़ाकत को देखते हुए कुछ लोगों को बुलाया है, ऐसे तो बड़े सर्टिफिकेट जो बन रहे हैं उनको तकसीम किया जाएगा, ताकि इन लोगों को जो इंसाफ मिले, दशकों से इनकी जो पीड़ा है तो उसमें मरहम लगे। तो मुझे लगता है कि इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के बाद जिनको आज मिला है, कम से कम अपनी ज़मीन जो है उसको रेगुलराइज करा सकते हैं, अपनी ज़मीन ले सकते हैं, जो किराए पर रह रहे हैं, या जिनको आस है कि यहाँ पर मोहल्ले में मैं तो मकान लूँगा, अपना मेरा मकान होगा, या कोई बच्चा जो है उनका नौकरी पेशा हो जाएगा, तो उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और उनका भी इस ज़मीन के साथ जो हमारी जम्मू कश्मीर है, उनका लगाव तो पहले ही है, वो इसको और अपने आप में इंटीग्रेट होगा, नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ ये एक बहुत बड़ी पहलकदमी है। मैं समझता हूँ कि आज बड़ा हिस्टोरिकल दिन है, जो पीछे कुछ डिसीजंस हुए उस डिसीजन में एक बहुत बड़ी जो मांग थी WPRs की, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ की, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारी गोरखा समाज के लोग हैं जो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो उसी लिए उनको पहले आश्वासन भी था, उनको उम्मीद भी थी, तो उस उम्मीद को जो आज पूरी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत, हमारी मुल्क के लिए, उसके इंटीग्रेशन के लिए, हमारी जम्मू कश्मीर के लिए, और एक बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का, कि जो आज जो सिलसिला शुरू हुआ था, उस इस इवेंट में भी हमने जो तकसीम किया है, तो उस इवेंट को होल्ड करने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये सब लोग यहाँ पे आए, हमारे साथ हमारे मेयर साहब भी, डिप्टी मेयर मैडम भी आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, क्योंकि आज हमने जो मैक्सिमम लोग जो इस तरह के हमारी जम्मू कॉरपोरेशन और सिटी लिमिट्स में भी निवास रखते हैं, तो उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ यहाँ पे आने के लिए, और उनने भी अपनी खुशी जाहिर की, क्योंकि वो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के, और इस पूरे मैसेज को आगे लेने में, और ख़ासकर इस जगह तक, इस इवेंट को बनाने में उनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, मीडिया के आप सब साथियों का भी, जो आपने नेशनल यूनिवर्सिटी और रीजनल लेवल पर भी चैनल्स हैं, वो इसको और प्रसार देंगे, और
जो अभी डोमिसाइल बनाने का बड़ा सरल तरीका है, अब उसको ऑनलाइन किया गया है और डीसीज और तहसीलदार, खासकर इसको तहसीलदार के लेवल पर रखा गया है, बहुत सरल तरीका है। इसको डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ी सिंपल है, जिसमें किसी इंसान को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पहले पीआरसी होल्डर थे उनके लिए बिल्कुल ही आसान तरीके से उनको कन्वर्ट कराना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आगे भी जो हमारी ये जो मुहिम है, ताकि लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हैं, जो इसके हकूक जो हैं, जो इसके मुस्तैक हैं, एलिजिबल हैं, उनको जल्दी से जल्दी मिले, तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ।